नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल को जेड प्लस के साथ ASL का मिला सुरक्षा घेरा। बिहार के खास खास लोगों को एक बार फिर से अलग अलग श्रेणी का सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान को पहले की तरह जेड प्लस के साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग प्रोटेक्टर की सुरक्षा घेरा दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ जीतन राम मांझी को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सांसद राजीव रंजन उर्फ लालन सिंह, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सांसद और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह, साथ ही साथ मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को जेड श्रेणी का सुरक्षा घेरा मुहैया करवाया गया है। लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव को वाई प्लस के सुरक्षा घेरे में रखा गया है। वाई प्लस का सुरक्षा घेरा इन्हीं दो नेताओं को दिया गया है। जदयू में टिकट पाने को लेकर मची होड़। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी किस्मत आजमाने को लेकर राज्य में 15 सालों से सत्तारूढ़ जदयू में दावेदारों की कतार लंबी देखी जा रही है। पार्टी नेताओं ने घटक दलों की सीट से लेकर अपने ही दल के मौजूदा विधायकों तक की सीट पर अपना दावा पार्टी आलाकमान के पास ठोक दिया है। 3000 से अधिक आवेदन पार्टी ने सूचीबद्ध कर दिया है। नजारा यह है कि सीट पाने के लिए सभी प्रतिनिधि एक दूसरे से ही भिड़ गए हैं। गौर करने की बात यह है कि जदयू ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए चुनावी मैदान में उतरने के लिए इच्छुक पार्टी जनों से बायोडेटा की मांग की थी। बायोडेटा पार्टी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजने को कहा गया था। बायोडेटा जमा करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर की और साथ ही साथ अगस्त से इसकी शुरुआत की जा चुकी थी और राज्यभर में सभी 243 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के दावे पार्टी के पास आने लगे थे। पार्टी कार्यालय के लिए कई और भी आवेदन सामने आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज है जन्मदिन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन आज है। 1932 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री ने 2004 से 2014 तक केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। इसके अलावा उनको प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्हें नरसिम्हा राव के शासनकाल 1991 में आर्थिक सुधार करने के लिए जाना जाता है। साथ ही जन्मदिन के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं दी है और उनके दीर्घायु होने और अच्छी सेहत की कामना की है। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज 88 वर्ष के हो गए। इतना ही नहीं, अपने राजनीतिक जीवन में मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का रोड मैप की नींव रखी थी। मनमोहन सिंह जब भी अपनी कामयाबी की बात करते हैं, शिक्षा को जरूर महत्व देते हैं। उनके जन्मदिन पर कई नेताओं ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी और उनके अच्छी सेहत की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कही अहम बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। हालांकि उनके जदयू दफ्तर पहुंचने से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो जदयू के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जदयू दफ्तर में मुलाकात के बाद पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू में एंट्री की खबर पर विराम लगाते हुए कहा है कि मैं यहां पर सबका शुक्रिया अदा करने आया था। जब उनसे मुलाकात हुई और उनसे जब पूछा गया कि किस पार्टी में शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पूर्व DGP ने आगे कहा कि मुलाकात के दौरान कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई है, नीतीश जी से मुलाकात सिर्फ हुई है। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक के सेंटर एग्जाम में स्टूडेंट से नहीं लेगी कोई शुल्क। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पूर्व विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर होने वाले सेंटर एग्जाम को लेकर के कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद अब प्रश्न पत्र की आपूर्ति बिहार बोर्ड के स्तर पर की जाएगी। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि इंटर मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की व्यवस्था प्रणाली को पारदर्शी और बनाने की जरूरत है, ताकि इन परीक्षाओं की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो और इसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थी वास्तविक रूप से समिति द्वारा आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा से सम्मिलित होने के मापदंड पर खड़े उतर सके। पटना समेत अन्य जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। मॉनसून लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश लगातार देखने को मिल रही है। वहीं आज भी पटना समेत पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। के साथ ही मौसम विभाग में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। पश्चिमी एवं मध्य बिहार में कुछ एक स्थान पर भारी से अधिक बारिश होने की आशंका जताई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में जरूरी अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे अहम माने जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि 27 सितंबर से बरसात में कुछ राहत मिल सकती है। इस बार बूथ पर ज्यादा सुरक्षा बल होंगे तैनात। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। वहीं बूथ स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती इस बार ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। COVID-19 के माहौल में 3 चरणों में चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के बिहार आने की संभावना जताई गई है। वैसे बिहार पुलिस द्वारा आयोग के समक्ष अलग अलग परिस्थितियों के मद्देनजर दिए गए प्रेजेंटेशन में 3 चरणों में चुनाव के लिए सुरक्षा बलों के करीब 3600 कंपनी की जरूरत बताई गई है। साल 2015 में विधानसभा चुनाव में बिहार को सुरक्षा बलों के 725 कंपनियां मिली थी, जबकि मतदान 5 चरणों में संपन्न हुआ था। 250 कंपनी चुनाव पूर्व अभियान के लिए करीब महीने भर पहले बिहार आ गई थी। इस बार का चुनाव 3 चरणों में होना है, इसको देखते हुए
ज्यादा अर्धसैनिक बलों की जरूरत होगी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने शहर में लगे पोस्टर और बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही शुक्रवार को डीएम कुमार रवि के निर्देश पर इनकम टैक्स चौराहा वीरचंद्र पटेल और बेली रोड गांधी मैदान अशोक राजपथ राजा बाजार आदि इलाके में लगे बैनर पोस्टर को हटाने का काम शुरू हो गया है। राजधानी का माहौल बदलने लगा है। शहर में सबसे अधिक बैनर पोस्टर राज्य द्वारा किसान बिल के विरोध में लगाया गया था, जबकि एनडीए के कई नेताओं द्वारा भी मुख्य चौराहे पर पोस्टर बैनर लगाए गए थे। साथ ही कई प्राइवेट एजेंसी और संस्थाओं के बैनर पोस्टर को भी प्रशासन ने हटाया। पटना के नैवेद्यम लड्डू अब मिलेंगे बिहार के कई शहरों में। अयोध्या के राम मंदिर में नैवेद्यम के लड्डू भेजे जाने के बाद अब इस लड्डू की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और यही कारण है बिहार से पटना आए लोग इस लड्डू को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए इस लड्डू का स्वाद बिहार के अन्य शहरों में भेजा जा रहा है। महावीर मंदिर प्रबंधन समिति ने यह फैसला किया है कि नैवेद्यम लड्डू अब गया, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में भी भेजा जाएगा। ऐसे में मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि नैवेद्यम में इन जगहों पर कैसे उपलब्ध हो सके, इस पर योजना बनाई जा रही है। 184 दिन बाद साहिबगंज जमालपुर और क्यूल के बीच चली पहली मेमूज पैसेंजर ट्रेन। कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बीच धीरे धीरे ट्रेन को दोबारा से खोलने की शुरुआत की जा चुकी है। रेलवे अधिकारियों के हरी झंडी मिलने के बाद लगभग 6 महीने बाद पैसेंजर ट्रेन आज साहिबगंज जमालपुर के लिए मेमू ट्रेन कोविड-19 स्पेशल ट्रेन बनकर रवाना हुई है। पहले दिन सिर्फ 170 यात्रियों ने टिकट लिया। ट्रेन खुलने से यात्रियों में काफी खुशी देखने को मिली। आपको बता दें ट्रेन पुराने समय के अनुसार 7:05 पर साहिबगंज से खुली है। इसके सभी स्टेशन पर ठहराव होगा। एक दो दिनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 184 दिन बाद यात्रियों के लिए साहिबगंज से एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। ट्रेन टिकट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। टिकट काउंटर पर यात्रियों की भीड़ ना हो, इसको लेकर CTI दिलीप कुमार मंडल निरीक्षण में लगे हुए हैं। शेखर सुमन ने कोविड-19 के माहौल में क्षेत्र से डिस्टेंसिंग रखने वाले नेताओं के आइसोलेट होने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अभिनेता शेखर सुमन ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों को खरी खोटी सुनाई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड-19 के माहौल में क्षेत्र में डिस्टेंसिंग रखने वाले नेताओं को जनता इस बार आइसोलेट जरूर करेगी। मुझे लगता है कि जो नेता 5 साल तक गायब रहते हैं उनको अब जनता भी डिस्टेंसिंग बना लेनी चाहिए। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसे सैनिटाइज करती है और किसे अपनाती है और किस नेता को अगले 5 साल तक मास्क पहनाकर घूमना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे चुनाव के प्रचार में भी गर्मी आएगी और वादों और दावों का पिटारा तो फिर से खुलेगा, और नेताओं के लिए सुविधा वाली बात यह होगी कि पिछले वादे तो पूरे हुए नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ नया सोचने की जरूरत भी नहीं है। तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव पर मामला हुआ दर्ज। कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव समेत 100 अज्ञात लोगों पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। वहीं भाजपा नेताओं के साथ हाथापाई करने के लिए भी कई नेताओं पर मामला दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें बीते दिन तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव समेत 100 लोग बिना अनुमति के विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। इस दौरान काफी भीड़ जमा हुई थी। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित बेली रोड इलाके में विरोध किया गया। सभी के ऊपर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया गया है। मामले में बगैर अनुमति के जुलूस निकालने, कोविड-19 के प्रतिबंधित इलाके में विरोध करने सहित अन्य धाराएं लगाई गई है। IPL के 13वें संस्करण में आज KKR और सनराइजर हैदराबाद होंगे एक दूसरे के आमने सामने। IPL के 13वें संस्करण में आज KKR और सनराइजर हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, जहां पहला मैच KKR को मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद की टीम भी अपने पहले मुकाबले में RCB के सामने हार चुकी है। ऐसे में यह दोनों टीम आज के मुकाबले में जान लगा देगी और इस टूर्नामेंट में जीत का खाता खोलना चाहेगी। KKR की टीम ने पिछले सीजन की तुलना में इस बार कई बदलाव किए हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी योजना को देखकर लगा कि कार्तिक ने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया है। मुंबई के खिलाफ उन्होंने 49 रन से गंवाने के बाद एक बार फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आंद्रे रसेल की बल्लेबाजी क्रम में को लेकर भी सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही दोनों टीम आज के मुकाबले में जान लगा देगी और इस टूर्नामेंट में जीत का खाता खोलना चाहेगी। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 59 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 85,362 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 59,03,932 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 93,420 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस दौरान देश में 1,089 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 93,379 पर पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में रिकवरी दर काफी ज्यादा सही हो रहा है। कुल मिलाकर अब तक 48,49,591 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में रिकवरी दर 82.14% पर पहुंच गई है। SP बाला सुब्रमण्यम के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मशहूर सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम ने 74 साल की उम्र में बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण काफी समय से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहीं बीते दिन उन्होंने आखिरी सांस ली है, जिसके बाद आज उनके अंतिम संस्कार के लिए हजारों की संख्या में लोगों का सैलाब देखने को मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी के अनुसार मशहूर सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करवाया जा रहा है। एसपी बाला सुब्रमण्यम के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे थे, साथ ही राजनेता को श्रद्धांजलि देते भी नजर आए। अभिनेता विजय ने हाथ जोड़कर एसपी बाला सुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि दी। उनके अंतिम संस्कार में AIADMK नेता विजय कुमार और आंध्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री अनिल कुमार यादव भी शामिल दिखे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज खेले जाने वाले IPL में KKR और सनराइजर हैदराबाद में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।